बीजीएमआई बैन होने के बाद जब किसी की हाइपिंग या फिर भाई बहुत ज्यादा मोबाइल लैग होता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो गाइस अगर आपका बीजीएमआई खेलते वक्त मोबाइल बहुत ज़्यादा लैग होता है या फिर भाई बहुत ज़्यादा हाई पिंग होती है, एकदम से अचानक पिंग हाई हो जाता है, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका ना ही लैग होगा और ना ही कभी हाई पिंग होगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। सबसे पहला भाई आपको हैप्पी न्यू ईयर, आपको और सभी आपकी फैमिली को भाई मेरी तरफ से लेजेंड आर्मी की तरफ से आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई अगर आपकी बीजीएमआई के अंदर भाई बहुत ज़्यादा लैग होता है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपिंग होती है, इतनी हाइपिंग होती है कि भाई बंदे के मारते कहीं और बुलेट और भाई लगती कहीं और है, या फिर आपका भाई बीजीएमआई खेलते वक्त बहुत ज़्यादा लैग होता है, एकदम से मोबाइल चिपक जाता है, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इतनी खतरनाक वाली सीक्रेट सेटिंग बताने वाला हूँ जो कि भाई लैग प्रॉब्लम में काम करेगी और भाई हाइपिंग में काम करेगी। अगर आपकी भाई पहले 50 आती थी तो भाई आपकी बार ना, अगर आपकी 100 आती थी तो भाई 100 ही आएगी, आपकी ज़्यादा पिंग हाई नहीं होगी, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और आपका मोबाइल कभी लैग भी नहीं मारेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ आपको। भाई कतई न्यू ईयर की सेटिंग बताने वाला हूँ, तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर देना। काफ़ी बंदों ने चैनल सब्सक्राइब किया है बट बेल आइकन को ऑल पे नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दे। तो सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा अपनी, और यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी जिसका नाम होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, आपको इसके ऊपर टैप कर देना। उसके बाद का जिस भी सिम में आपका नेट चल रहा होगा उस पर आपको टैप कर देना है, चाहे वो जियो एयरटेल की किसी भी कंपनी की हो। आपको यहाँ पे टैप करने के बाद एक्सेस पॉइंट नेम या फिर एपीएन करके एक सेटिंग मिलेगी जिसके यहाँ मेरे यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम है, तो गाइस आपको उस पर टैप कर देना है। और आपके नीचे या फिर ऊपर आपको एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा न्यू एपीएन करके, ठीक है, आपको उस प्लस के आइकन पर टैप कर देना है। उसके बाद गाइस आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, उस फॉर्म का आपको भाई पूरा नहीं भरना है, बस यहाँ पे दो तीन सेटिंग चेंजेस करने जो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको नेम पर टैप कर देना है, नाम पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है स्पीड बोट 5G नेट, ठीक है, स्पीड बोट 5G नेट, ये आपको लिखना है, स्पेस का ध्यान रखना है, और जैसे जैसे मैंने यहाँ पे स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर में लिखा है आपको सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आएगा आपका एपीएन, हाँ ठीक है, उसके बाद एपीएन आएगा, आपको एपीएन पर टैप करना है और यहाँ पे आपको लिखना है एयरटेल 5G नेट, ठीक है। अगर आपका एयरटेल का सिम है तो भाई ऐसे लिखना है, जियो का सिम है तो जियो 5G नेट, और वीआई का है तो भाई वीआई 5G नेट, सब बिना स्पेस दिए आपको लिखना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद प्रोक्सी आएगा, आपको इसको नोट सेट रखना है, ठीक है, पोर्ट आएगा, पोर्ट को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आएगा यूजर नेम, आपको यहाँ पे लिखना है स्पीड बोट 23 मैक्स, ठीक है, ये सब कुछ बिना स्पेस दिए लिखना है, स्पीड बोट 23 मैक्स, ये लिखने के बाद ओके कर देना है। उसके बाद पासवर्ड आएगा, इसको नहीं छेड़ना है। उसके बाद आएगा सर्वर, ठीक है, आपको सर्वर पर टैप करना है, यहाँ पर आपको लिखना है www.yahoo.com/www.google.com, ठीक है, ये आपको लिखना है, जो याहू का वाई और गूगल का जी होगा वो यहाँ पे आपको बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद MMSC नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नहीं छेड़ना, MMS पोर्ट नहीं छेड़ना, MCC ये एरिया कोड होता है इसको नहीं छेड़ना। उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पर टैप करना है। अगर आपका नॉन होगा तो भाई आपको नॉन सेट आकर का PAP और CHAP यानी कि लास्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आएगा APIN प्रोटोकॉल, आपको APIN प्रोटोकॉल पर टैप करना है, आपको IPv4/IPv6 थर्ड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना है अगर आपका पहले वाले पे होगा। उसके बाद आता है APIN रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर भी आपको थर्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, पहले वाले से हटा करके IPv4 वाले थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो मेन सेटिंग रहती है वो है बियरर, आपको बियरर पर टैप करना है, और सबसे पहले आपका सबका अनफेसिफाइड रहेगा, आपको अनफेसिफाइड से हटा करके यहाँ पे LTA, HSPAP, HSPA, HSUPA, HSDPA और UMTS और GPRS तक जितने भी यहाँ पे बियरर है ना, आपको सब पे टैप कर देना है GPRS तक, ठीक है। उसके बाद काफ़ी बंदों के मोबाइल में भाई LTE से ज़्यादा कोई बियरर नहीं होता है, उनके में खाली LTE रहता है, तो भाई उनको खाली LTE
भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ओनली से LTE सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको भाई सेव कर देना है, ऊपर नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर देना है। और आपके सामने एक यहाँ पर न्यू सेटिंग बन जाएगी जिसका नाम होगा स्पीड बोट 5G नेट, आपको स्पीड बोट 5G नेट पर टैप कर देना है। ये करने के बाद आपको दूसरी सेटिंग करनी है जो कि यहाँ पर लैग प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है, आपको सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में आ जाना है, ठीक है। अबाउट फोन में आने के बाद अगर आपके पास रेडमी का या फिर पोको का मोबाइल है तो ऑल स्पेस पे आना है, या फिर रियलमी के में डायरेक्ट मिल जाएगा वर्जन, ठीक है। आपको वर्जन पे 7 बार लगातार टैप कर देना है। ये करने के बाद आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आपको बैक आना है, आपको एडिशनल सेटिंग ढूंढ लेनी है। इस पे आने के बाद आपके सामने एक डेवलपर ऑप्शन आएगा, उस पे आपको टैप कर देना है डेवलपर ऑप्शन। अगर आपको ऑन नहीं होगा तो भाई आप ऑन कर देना, जो सेटिंग बताऊंगा आप सेम करनी है। सबसे पहली जो सेटिंग है वो यहाँ पे एनेबल GPU डिबग लेयर्स है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ऑफ होगा तो भाई इसको ऑन कर देना, इससे आपका लैग बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा और यहाँ पे भाई लैग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो मेन सेटिंग है लैग प्रॉब्लम की वो है ग्राफिक्स ड्राइवर, या फिर भाई यहाँ पे गेमिंग ड्राइवर परफॉर्मेंस भी आ सकता है जिनके में रियलमी का मोबाइल है, तो उस पर टैप करना है। ये करने के बाद आपको जितनी सारी एप्लीकेशन आएंगे ना, बहुत सारी आएगी, आपको BGMI ढूंढ लेना है, बैटल ग्राउंड इंडिया, ठीक है, इसको टैप करना है। आपका डिफॉल्ट होगा, आपको डिफॉल्ट से हटा करके, ठीक है, आपको सिस्टम ग्राफिक्स या फिर गेमिंग ड्राइवर ग्राफिक्स कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको बैक आना है, जो सेटिंग और बताऊँगा वो करनी है आपको, फोर्स MSAA इस पर टैप कर देना है। अगर आपकी यहाँ पे ऑफ होगी तो भाई इसको ऑन कर देना है, ठीक है, फोर्स 4X को, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे एक सेटिंग और मिलेगी जिसका नाम होगा डोंट कीप एक्टिविटीज, आपको डोंट कीप एक्टिविटीज़ को चालू कर देना है, यानी कि ऑन कर देना है, ठीक है। इससे जो ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रन करेगी अपने मोबाइल के अंदर। और जो मेन सेटिंग है लैग प्रॉब्लम की वो है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड लिमिट होगा, इसे हटा करके आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है, ठीक है। ये सेटिंग कर देना भाई, आपका मोबाइल कभी ना ही लैग होगा, और आपकी भी पिंग जितनी आपको पहले 200 आती थी अब वो 90 हो जाए 80 ऐसे आने लगेगी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग अपना ख्याल रखना, और यार सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। बाय बाय।